अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज है संडे, तो हमने सोचा क्यों ना इतने दिनों बाद आज संडे का व्लॉग बनाएं, क्योंकि आज है शिफा की छुट्टी और शिफा के बाबा की भी छुट्टी। तो ये रही शिफा, नींद से उठी हैं शिफा, और शिफा को मिली है यहाँ हलवा पूरी खाने को। और शिफा को देख सकते हैं कितनी भूख लग रही है। इतना मासूम सा चेहरा ना बनाया कर शिफा, सलाम करो। तो शिफा को अभी शरीर भूख लग रही है, शिफा रात में जल्दी सो गई थी, तो इसलिए अभी हमारा नाश्ता हो रहा है, तो नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड। तो कस्टर्ड मैं बना रही हूँ सिर्फ शिफा के लिए, क्योंकि शिफा की दो दिन से ज़िद थी कि उन्हें कस्टर्ड खाना है, और मैं और काशन को इतना ख़ास पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ शिफा के लिए बना रही हूँ कस्टर्ड। तो यहाँ मैं स्ट्रॉबेरी और मैंगो फ्लेवर दोनों को मिक्स करके इसका कस्टर्ड बनाऊँगी, फिर देखते हैं इसका कैसा कलर आता है। तो ये देखिए गाइस, दोनों को कलर मिलाने के बाद ये कलर बनकर आया है, लाइट लाइट सा येलो येलो सा। तो इसमें दोनों मैंने फ्लेवर मिक्स कर दिए हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है मैंगो और स्ट्रॉबेरी दोनों फ्लेवर। मैंगो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास पहले का रखा हुआ था, तो मैंने सोचा पहले इसको भी फिनिश करते हैं, वरना फिर इसकी डेट ना निकल जाए। और ये न्यू डब्बा है, तो मैंने कहा इसको भी हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये कम था। तो इसकी वजह से ये कलर आया है कस्टर्ड में, लेकिन खाने में बड़ा यम्मी है ये। अभी हम इसको ठंडा होने का वेट करते हैं, फिर हम इसमें जेली ऐड करेंगे। तो जेली भी हमने यहाँ तैयार कर ली है, ओनली रेड फ्लेवर। शिफा को रेड कलर जेली चाहिए, तो इसलिए हमने सिर्फ रेड वाली जेली इस्तेमाल करी है। तो शिफा ने मेरे हाथ से ले लिया स्पून, और शिफा कह रही है मैं अपना कस्टर्ड खुद बनाऊंगी। तो हमने कहा चलो आप भी ये कर लो, टेक्निक आजमा लो। शिफा को इस तरह के कामों में बड़ा मज़ा आता है। क्यों शिफा, आपको मज़ा आता है? बस थोड़ी सी डालिएगा, फिर थोड़ी सी ऊपर डाल दिएगा। तो मैंने यहाँ पर फ्रूट भी इसलिए ऐड नहीं करे क्योंकि शिफा ने मना कर दिया, उनको कोई फ्रूट नहीं चाहिए, सिर्फ जेली वाला कस्टर्ड चाहिए। आप पहले बनाते थे, वो अच्छा होता था ना, मैंने कहा वैसे ही बना। बस ज़्यादा ख़राब नहीं करो, ऐसे नहीं करते, थोड़ी सी और डालो। खाना आपने ही है, थोड़ा उस साइड पर। हाँ बस ठीक है, रुक जाओ, बहुत देर रहने दो आप, बहुत ज़्यादा डाल रही हो। ओके ओके डन, मुझे दो बस, ये मैंने जगह छोड़ दी है थोड़ी सी। इसके ऊपर से और कस्टर्ड आएगा, है ना? वैसे भी अभी ठंडा होगा, फिर ही जमेगा, अभी नॉर्मल है। और शिफा को ज़्यादा ठीक पसंद नहीं है। ठीक क्या मतलब? गाढ़ा गाढ़ा ज़्यादा जो होता है। चलो अब आप इसमें ऐड कर दो अपने हिसाब से, जेली जैसे चाहे वैसे डालो, सारी डाल दो एक साथ, फैला कर डालना। बाद में फैला देंगे ना, सब डाल दो, चूड़े ही हो गई सारी। चलो फिनिश, ला प्लेट मुझे दो, आप जल्दी से इसको फैला दो। तो ये रहा शिफा का कस्टर्ड विद जेली, ओनली जेली वाला कस्टर्ड। हाँ। चलो अब इसको ठंडा करने रखते हैं, फिर देखते हैं। इसमें चम्मच नहीं, खराब हो जाएगा, निशान पड़ेगा। मैं बंद कर, मैं बंद कर। तो ये रहा शिफा का कस्टर्ड, और ये रही शिफा। शिफा भी रेडी हो चुकी हैं, और हम कहीं जा रहे हैं, तो शिफा को कस्टर्ड याद आ गया कि मैं पहले कस्टर्ड खाऊंगी फिर मैं जाऊंगी। तो यहाँ शिफा बिल्कुल रेडी हैं, ये देख सकते हैं शिफा की ड्रेसिंग। अभी हम जा रहे हैं, वो तो बाहर जाएंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ शिफा कस्टर्ड खाने लगी हैं। अभी क्या हमें भी नहीं पता है ना, आज हम जा रहे हैं आउटिंग पे, थोड़ा सा बाबा लेके जा रहे हैं चिल करने। बाबा लेके जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक लेने। बाबा की बाइक सही हो रही थी, बाबा अपनी बाइक बनवा रहे हैं, बनवाने के लिए भेजा हुआ था। बाबा लेने गए, बोले तुम लोग अच्छे से तैयार हो जाओ, अब हम नहीं पता कहाँ जा रहे हैं हम। जी लेकिन बिल्कुल बाहर ही जाएंगे, बिल्कुल घर में कौन। तो मैं बस रेडी होने लगी हूँ, यहाँ शिफा को भी मैंने जल्दी से रेडी कर दिया है। इतनी देर में शिफा कस्टर्ड खाएंगी तो मम्मा भी तैयार हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से शिफा के मैंने हेयर स्टाइल, मुझे शिफा पर ये वाला हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। वो जो बच्चा था ना उनका वाइडो, वो ना बैठा हुआ था गमले के पास, फिर मैंने उसे हेयर शेड करके उसकी मम्मा के पास बिठाया। तो आप जल्दी से कस्टर्ड खाएं, जितना भी खाना है आप कटोरी में निकाल निकाल के खाइएगा, बाकी मैं फ्रिज में रख दूंगी, ठीक है? और मैं फटाफट से रेडी होने जा रही हूँ, तो बाबा भी आने वाले होंगे। बस अब हम करते हैं तैयारी, काशन देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं हमें। अभी तो हमें नहीं पता है, हल्का फुल्का मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ,
तो गाइस क्या हम निकलने लगे हैं अब घर से। शिफा और शिफा के पापा बाहर जा चुके हैं, मैं बस जल्दी से बाहर निकलने लगी हूँ। ओह शिफा कहाँ बैठे हो? कहाँ पर आइए, जगह का नहीं पता। तो शिफा के पापा बताएंगे कि आप हमें कहाँ लेकर आए हैं आज फर्स्ट टाइम। फाइव स्टार चरंगी पे, जहाँ पर हम लोग पहले आए थे, हवेली रेस्टोरेंट, उसी की लाइन में है ये बर्गर और वो सॉरी बिरयानी पॉइंट। यहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर है। तो ये देखो, तो आज हम लोग बिरयानी का चस्का लेने आए हैं। शिफा की फरमाइश पे बिरयानी खाने आए हैं। शिफा तो सोने ही वाली थी, बाबा ने इतना लेट कर दिया, बाइक ही नहीं बन रही थी बाबा की। और शिफा को गुस्सा आने लगा था, है ना, थोड़ी देर लेट आए बाबा, अगर लेट आते हैं थोड़ी देर और लेट आते तो शिफा सो चुकी होती। पर शिफा का कल स्कूल का ऑफ है, क्या करें। तो अब हम खाने का वेट कर रहे हैं अपने, जैसे ही हमारा खाना आता है हम खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। और अभी रात क्या टाइम हो रहा है, 9:30 या 10 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, 10 बजने वाले होंगे। और शिफा ने बिरयानी तो ऑर्डर कर लिया, लेकिन अगर शिफा को बिरयानी पसंद नहीं आई है तो फिर शिफा को कहीं और से बिरयानी। तो जी हमने बीफ बिरयानी ऑर्डर की है, और उसमें अगर आलू नहीं हुआ तो शिफा को आलू चाहिए अलग से। टेस्ट तो करेंगे ना सादे चावल, ठीक है। तो शिफा को बिरयानी आलू वाली चाहिए। तो चले, तो शिफा के पापा अलग से होटल से अपोजिट फ्रेंच फ्राइज लेने गए। यहाँ पर फ्राइज अवेलेबल नहीं है, तो शिफा के लिए पापा बाहर से फ्राइज लेने गए। कहाँ गए पापा? तो ये देखिए, शायद बाहर कुछ नज़र आ रहा है। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, बाबा आ जाए। तो शिफा के पापा शिफा के लिए लेने गए हैं फ्राइज, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में फ्राइज अवेलेबल नहीं है और शिफा को फ्राइज खाने हैं, तो बाबा लेने गए बाहर से। तो गाइज ये देखें, ये हमारी बिरयानी, पुलाव बिरयानी लग रही है ये तो, है ना। तो बिरयानी हमने ऑर्डर की थी, साथ ही हमने हलीम भी ऑर्डर किया था, लेकिन हलीम जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर ये सलाद, रायता और बिरयानी। तो बिरयानी फर्स्ट टाइम यहाँ की हम टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं अगर अच्छी हुई तो, वरना फिर नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आएंगे। और शिफा के बाबा शिफा के लिए फ्राइज लेकर आएँ, क्योंकि शिफा को बिरयानी में आलू चाहिए, और आलू जो है ना वो बिरयानी के साथ वो शिफा ऐड करके खाएँ। कैसा लगा बाबा का आइडिया? अभी बहुत भूख लग रही है तो कुछ समय नहीं आ रहा, हम खाना स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं। और ये है बीफ बिरयानी, यम्मी। चलें खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये देखें यहाँ पर बलून लगे हुए, कैसी है? मैं भी ट्राई करती हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जायका तो है। आपको कैसी लगी? अच्छी है, बिरयानी में तो वाकई टेस्ट है। तो शिफा के बाबा को बिरयानी पसंद आ चुकी है, और शिफा के बाबा ने एक और प्लेट मंगाई है, और मैं और शिफा बीफ खा रहे हैं, और बाबा खा रहे हैं चिकन, और शिफा खा रही हैं फ्राइज। मज़ा आ रहा है आपको? तो अल्लाह का शुक्र है, खाना भी हमारा कम्प्लीट हो गया है। बाबा पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक और सब जा चुके हैं। ये देखें, तो शिफा बिल देने लगी हैं। तो यहाँ पूरा क्लब जैसा माहौल हो गया, और शिफा डांस कर रही हैं, ये देखें, और म्यूजिक चल रहा है यहाँ पर, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये है इसका एंट्रेंस, और हम थे अंदर, और अब हम जा रहे हैं बाहर। बिस्मिल्लाह। खीर नहीं मिली, खीर खत्म हो गई। ये देखिए, हाँ शिफा को कुछ नहीं मिला। हम जाएंगे डायरेक्ट घर, और रात ज़्यादा हो गई है, हम लोग जाएंगे बिरयानी लेते हुए घर। तो हम घर आ चुके हैं, और शिफा बाइक पर सो चुकी थी, वो बिल्कुल नींदों में हो रही है। शिफा बाइक पे सो चुकी थी। ये क्या है?
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपको हमारी वीडियो के मैसेज नहीं आ रहे कि वो आई है या नहीं आई है, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज। हम जब गए तब भी लाइट नहीं थी, अभी घर पे आए तब भी लाइट नहीं, लाइट का रोना है बहुत ज़्यादा। तो अब हम बस जल्दी से चेंज करते हैं फटाफट से और आराम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।